कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईबीपीएस गाइड में। तो एसबीआईपीओ की जो प्रिपरेशन है आई होप आप सब लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी। नहीं की है तो अभी भी टाइम है, अभी टाइम है, ये मत वेट करो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करेंगे। डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो। बेसिक क्लासेस भी आपको डेली शाम को 3 बजे मिल रही है। सुबह 9 बजे आपको एक क्लासेस मेरी आती है, ठीक है। इसके अलावा आपकी 11 बजे क्लासेस आती है यशराज सर की। इसके बाद 3 बजे मेरी फिर से एक बेसिक क्लास आती है। तो 3 क्लासेस आपको क्वांट से मिल रही है। डेली बेसिस पे इनकी प्रैक्टिस करो। बेसिक और मेन्स दोनों की तैयारी कर रहे हैं हम। इसके अलावा डेली एक मॉक टेस्ट लगा लो, ठीक है। बस इतना सफिशियंट है प्रैक्टिस के लिए। इतना करते रहोगे मॉक टेस्ट को, 1 घंटे का मॉक टेस्ट है, 2 घंटे उसको एनालाइज करो, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेंगे। और इसके अलावा अगर आप ये सोचते हो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करेंगे, तो आप सभी को पता है एसबीआई का जो पेपर है इतना इजी जो आता नहीं है। बट आप अगर उसको ज्यादा लाइटली लोगे तो आपका जो टाइम है वो बहुत कम रहेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे और मेंस लेवल के साथ साथ करते रहेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और उसके पास में लगे इस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो यहाँ पे आज हम डे नंबर 24 तक पहुंच चुके हैं और जो आज की हमारी कंप्लीट डीआई रहेगी एक लाइन ग्राफ बेस्ड रहेगी। लाइन ग्राफ में आपको क्या गिवन है, परसेंटेज है डिस्काउंट का, ठीक है। यानी आपके पास 3 अलग अलग प्रोडक्ट हैं, शर्ट है, टेबल है और चेयर है। ये 3 अलग अलग प्रोडक्ट हैं और इसमें आपको डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है। जैसे अगर मैं 2014 की बात करूं तो यहाँ पे जो आपकी शर्ट है उसमें 10% का डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा चेयर है उसमें 20% का और टेबल है उसमें 30% का डिस्काउंट गिवन है, ठीक है। ये अलग अलग ईयर्स में अलग अलग परसेंटेज डिस्काउंट आपको गिवन है। इसी बेसिस पे आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका 4 का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और एक आपके लिए डेली बेसिस का होमवर्क रहेगा। और जो इस चीज का सॉल्यूशन नहीं बता होता ना, किसको कोई डाउट हो, तो आप सिंपली www.ibpsguide.com पे विजिट करके चेक कर सकते हो। वहां पे इन क्विजेस को अपलोड किया जाता है, वहां से आप डायरेक्टली इन चीजों को देख सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या कह रहा है। इफ द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ ए शर्ट टेबल एंड चेयर इन द ऑल द 3 ईयर्स इन ऑल द ईयर्स इज 2:3:1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो मार्क प्राइस गिवन है शर्ट टेबल एंड चेयर का, उनका रेशियो गिवन है, ठीक है। रेशियो कितना गिवन है, 2:3:1 है, ठीक है। ये आपका मार्क प्राइस का एमपी का यानी मार्क प्राइस का रेशियो गिवन है, किस किस का, शर्ट टेबल और चेयर का। और आगे क्या दे रखा है, द सम ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट इन 2014-15 टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द सम ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल इन 2014 एंड चेयर इन 2016। आपको अप्रोक्सीमेट परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, किस किस के बीच में सेलिंग प्राइस है शर्ट की 2014 और 15 में, किसके साथ कंपेयर करना है सेलिंग प्राइस टेबल का 2014 में और चेयर का 2016 के साथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर इस तरह के आपको क्वेश्चंस दे और आपको रेशियो दिया होता है तो उसमें आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू मान लीजिए, उसमें आपका कोई गलती नहीं होगा। जैसे मार्केट प्राइस का मैं रेशियो गिवन है 2:3:1, तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे कि 200, 300 और 100, ठीक है। तो ये मान लेंगे, इससे कोई गलत नहीं होगा। जब कैंसिल आउट करोगे तो एट द एंड रेशियो 2:3:1 ही आएगा, ठीक है। अब हमें मार्केट प्राइस इनका पता लग गया, अब आप इजीली निकाल सकते हो। हमें क्या कहा था, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट इन 2014 एंड 15 टुगेदर। अगर मैं शर्ट की बात करूं 2014 में, ठीक है, तो हम नीचे देखिए, ये मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट देगा तभी हम सेलिंग प्राइस मिलेगा ना। तो मार्क्ड प्राइस पे इसने कितना डिस्काउंट दिया, शर्ट पे देखिए कितना, 2014 में 10%, इस पे अगर 200 का अगर इसने 10% डिस्काउंट दिया तो पीछे कितना बचा, 180, ठीक है। 200 है, उसका 10% क्या होगा, 20, यानी इसने 20 रुपए की छूट दे दी तो कितना बचा आपका, 180, यानी सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा 180, ठीक है। अब 2015 का भी तो निकालना है शर्ट का, इन दोनों का ही तो कंपेयर करना है आपको, ठीक है। अगर 2015 की बात करो, शर्ट में कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 20% का। अगर 200 का 20% सीधा बता सकते हो, 10% अगर 20 होगा तो 20% कितना होगा, 40, यानी अगर 40 रुपए की छूट मिल रही है 200 में, कितना बचेगा, 160 रुपए, तो 160 इन दोनों का सम कर दो, 18, 16 कितना बनते हैं, 24, यानी 340 रुपए, ठीक है। तो 340 रुपए ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा दोनों का, किसका, शर्ट का 2014 प्लस 15। इसका कंपैरिजन करना मैं सेलिंग प्राइस टेबल 2014 और चेयर 2016 के कंपेयर में। अगर मैं टेबल की बात करूं, टेबल अगर 2014 की बात करें तो आप डायग्राम में देखिए, 2014 में जो टेबल है उसमें कितने छूट मिल रही है उसको, 30% की, अगर देखिए 30% की छूट मिल रही है और आपके पास जो मार्क्ड प्राइस है 300 रुपए है, कैसे निकालोगे, 70/100 कर दो, वो करोगे थोड़ा सा ओरली सोल्व करने की कोशिश करो। देखिए मैं 70% निकाला है क्योंकि 300 का 30% तो इसको डिस्काउंट दे रहा है, तो पीछे 70% बचा। अगर 70% कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रही है तो सीधा एक काम करो, 300 का 10% कितना होता है वो तो बता सकते हो, 30, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 210,
यानी 210 रुपए में इसको बेचेगा, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा टेबल का। अगर मैं चेयर की बात करूं, 2016 में कह रहा था ना, तो चेयर की बात करें 2016 में डायग्राम में देखिए कि चेयर में कितनी छूट मिल रही है, 25% की। तो 100 में अगर 75 रुपए की 25% की छूट मिल जाए, यानी 25 रुपए की, तो पीछे कितना बचेगा, 75 रुपए। तो 75 मैंने इसमें ऐड करना है हमें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 285 हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। बस यही आपको कैलकुलेट करना है, इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है इसके साथ। तो हम क्या करेंगे, 340 है डिवाइड बाई 285 गुना 100, ठीक है, आपको यही परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। 5 से कैंसिल आउट करो, 5 5 25 हो जाएगा, फिर 3 5 7 35, ठीक है, 57 आ जाएगा, यहाँ से 5 6 30, 4 बचेगा 5 8 40, यानी 68। अब देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करोगे आप, क्योंकि आपको पता है एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रही, थोड़ा सा दिमाग लगाना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6800 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 57। अब देखिए ये ओरली कैसे सोल्व करना, आपको ऑप्शंस की तरफ भी देख लो एक बार, हाँ थोड़े बहुत नियर बाई है तो अप्रोक्सीमेटली में आइडिया नहीं लगा सकते। तो चलिए एक बात बताता हूँ मैं, यहाँ से सबसे ईजी कर सकते हो आप, 57 एकम 57 होते हैं, और यहाँ पे भी जाओगे तो 57 एकम 57 ही बचेंगे ना, तो पीछे कितने बचेंगे, 68 में से 57 गए, सीधी बात है 11 बचेंगे, तो यानी 110 हो जाएगा, और 57 दूनी 114 होता है, यानी 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, यानी 1 से होगा, 1 से डिवाइड होगा। देखिए 110 में से अगर मैं 57 माइनस करूं, आपको सीधा पता ही लग जाएगा, 110 में से 57 माइनस करूं, 53 बचते हैं, यानी 530 क्या आएगा, तो आपको अराउंड पता है कि 9 ही आएगा, क्योंकि 570 होते हैं, उनसे 530 कम ही होते हैं ना, तो 119, ठीक है, 119%। आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो ऑप्शंस की हेल्प लेके, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, 119% आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप डाउट क्लियर है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये देखिए दिखने में बिल्कुल ही सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया ना, फर्स्ट में इन 2017 द सम ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल एंड चेयर इज ₹1000, यानी आपको सेलिंग प्राइस है टेबल और चेयर का, वहां पे ₹1000 दिया हुआ है, ठीक है, इन दोनों का सम दिया हुआ है। इफ द सम ऑफ मार्क प्राइस ऑफ टेबल एंड चेयर इन 2017 इज 1200, और मार्क प्राइस का जो सम है टेबल और चेयर का 2017 में वो ₹1200 है, then the marked price of the table is what percent of the marked price of the chair in 2017, यानी जो आपका टेबल है उसका मार्क प्राइस है वो कंपेयर करना आपको कितने प्रतिशत होगा किसके, चेयर के साथ 2017 में। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी तभी हमें इंडिविजुअली इनके प्राइसेस पता लगेंगे। तो यहाँ पे जो एमपी है, मार्क प्राइस है, वो मान लेता हूँ मैं सबसे पहले किसका, आप मानते चलिए टेबल का है, ठीक है, यानी टेबल का जो मार्क प्राइस है वो एक्स मान लेता हूँ, और चेयर का जो मार्क प्राइस है उसको मैं वाई मान लेता हूँ। और इसने क्या कहा, मार्क प्राइस ऑफ टेबल प्लस चेयर इज इक्वल टू 1200, यानी एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1200, ठीक है, ये मार्क प्राइस की बात हो रही है। अब सेलिंग प्राइस का जो आपको है वो भी एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, कैसे, मार्क प्राइस की ये वैल्यू है तो इसके ऊपर कुछ छूट भी तो मिली होगी ना। तो यहाँ पे मार्क प्राइस अगर 2017 में बात करें, देखिए ये रहा टेबल की बात करते हैं, तो टेबल में इसको कितने प्रतिशत का छूट मिला, 10% का, नहीं यानी एक्स का 90%, एक्स की 90%, ठीक है, एक्स का 90%, तो एक्स 90/100 कर दो, यानी कि सीधी सी बात है 9x/10, ठीक है, 9x/10 प्लस। अब इसी तरह वाई यानी चेयर है, चेयर पे कितनी छूट मिली थी इसको, चेयर पे 20% की छूट मिली थी ना, कितने परसेंट की छूट मिली थी, 20% की छूट, तो यानी वाई मल्टीप्लाई बाई 80/100, ठीक है, 0 से 0 यानी 8y/10, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, 1000 के इक्वल आया था ना, ठीक है। यहाँ पे दोनों में देखिए कॉमन एलसीएम आएगा, इसे हमें पता है कि 10 ही आना है, ऊपर वैल्यू सेम रहेगी, तो एक 10 है उधर लेके चले जाओ, ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 9x+8y=10000, ठीक है, 10000, क्लियर है, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशन है, कंपेयर करके एक्स वाई निकाल सकते हो, यानी मार्केट प्राइस टेबल और चेयर का इंडिविजुअली निकाल सकते हो। हमें क्या करना है, हमें कोई भी एक्स या वाई इक्वल रखना है, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी और ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है, इनमें एक्स और वाई इक्वल रख लो, या तो आप एक्स को इक्वल रख लो या वाई को, चलिए वाई को एक्स को रख लेते हैं, तो यहां से इसको इक्वेशन सेकंड को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इसको ऊपर वाली को 9 से कर देंगे तो 9x इक्वल हो जाएगा, तो नीचे इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, 9x+9y इज इक्वल टू 12, नीमा कितना होता है 108, और 2 0 जीरो पुट कर दीजिए और ये अब इसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक है, 9x+8y इज इक्वल टू 10000, ठीक है। अब ये कंपेयर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बेसिक सी चीजें हैं, प्लस होगा जहां माइनस चेंज कर दीजिए, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 में से 8y गया तो कितना बचेगा, y बचेगा, सिंपल एक y या y एक ही बात है, 10800 में से 10000 गए, सीधी सी बात है 800, यानी जो y की वैल्यू हमें पता लग गई 800 आएगी, यानी x प्लस वाई आपके पास 1200 था, x प्लस वाई 1200 था, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर 400 आ जाएगी। तो यहाँ पे x और y आपको पता होंगे ना क्या क्या है, ये मार्क्ड प्राइस है y का, y क्या थी आपकी, चेयर थी, ठीक है, चेयर का हमें मार्क्ड प्राइस पता है और हमें टेबल का भी गिवन है, ठीक है, और हमसे पूछा क्या था कि मार्क प्राइस के बीच आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है टेबल और चेयर में, तो टेबल का अगर 400 है, चेयर का 800, तो सीधा बता सकते हो इसका 50% होगा, आपको कैलकुलेट करने की भी दिक्कत नहीं है ना, 800 का हाफ ही तो है, तो 50% सीधा टिक कर दो, ठीक है, तो इस तरह से आपका ये राइट आंसर आ जाएगा।
क्लियर है। देखिए इक्वेशन बनानी जरूरी है क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई भी ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं गिवन है जिससे हम सोल्व आउट कर सकते थे, इसलिए मैंने आपकी दोनों इक्वेशन बनाई है और दोनों को सोल्व किया है। सिर्फ सिंपल ही मेथड है, ज्यादा इसमें कुछ डिफिकल्ट चीजें हैं नहीं। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए शर्ट टेबल चेयर एंड लैपटॉप इन 2018 इज ₹700, 2900 एंड 9900 रिस्पेक्टिवली। यानी आपको सेलिंग प्राइस गिवन है शर्ट टेबल चेयर और लैपटॉप का 2018 में, ठीक है, ₹700, ₹2000, ₹900, ₹9900। इफ ओवरऑल डिस्काउंट ऑफ 2018 बाय सेलिंग ऑल द प्रोडक्ट इज 10%, यानी सभी चीजों पे मिला के ओवरऑल इसको 10% का क्या होता है डिस्काउंट देता है, ठीक है। तो फाइंड द डिस्काउंट अमाउंट ऑफ लैपटॉप, तो लैपटॉप पे कितने अमाउंट है उसने डिस्काउंट दिया है वो आपको बता दी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए हमारे पास लैपटॉप है, एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऐड हुआ है, आप सभी को बता होगा नीचे शर्ट टेबल और चेयर का ही डिस्काउंट गिवन है, ठीक है। तो हमें ये कैसे निकालेंगे, इसका भी एक तरीका है। पहले हमें यहाँ पे पता करना है कि टोटल यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस कितना है और यहाँ पे कितने की छूट मिल रही है बाकी प्रोडक्ट में से माइनस करके हम लैपटॉप का निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये चीजें देखिए ओरली सोल्व करनी है आपको, जैसे 700, 2900 और 9900 इनका सेलिंग प्राइस का सम आप ओरली सोल्व कर सकते हो ना, क्योंकि ये चीज तो ऐसी है जो आप ओरली भी बता सकते हो। अब देखिए कैसे करोगे, 9900 है, 900 है इधर, इसको कैसे ऐड करोगे, इधर मान लो 800, इसको मान लो 10000, तो ये हो जाएगा 10800, इन दोनों का सम 10800 हो जाएगा, 10800 प्लस 2000 यानी 12800, 12800 प्लस 700 यानी 13500, यानी सभी का जो एसपी है हमें पता लग गया कितना हो गया, 13500 हो गया, ठीक है। एसपी हमें पता लगा यानी सेलिंग प्राइस हमें पता लगा 13500। अब क्या कह रहा था कि इसके ऊपर इसको ओवरऑल कितने परसेंट की डिस्काउंट दे रहा है, 10% का। अगर सेलिंग प्राइस पे अगर 10% का डिस्काउंट दे रहा है मार्केट प्राइस पे, तो सेलिंग प्राइस का क्या होगा, 90%, यानी जो 13500 वैल्यू है हमारे पास वो 90% की है, क्योंकि इसने 10% डिस्काउंट भी तो दिया है। हमें अगर एक्चुअल में मार्केट प्राइस निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 से इसको करोगे, 9 एकम 9, 4 9 5 45 यानी 150 यानी ₹15000, ठीक है। तो ₹50,000 हमें मार्केट प्राइस पता लग गया सभी प्रोडक्ट का, ये हमें एक प्रोडक्ट का पता नहीं लगा, सभी प्रोडक्ट्स का लगा है। अब हमें क्या करना था, डिस्काउंट अमाउंट निकालने के लिए लैपटॉप के हमें क्या करना होगा, बाकी में से मार्केट प्राइस माइनस करना पड़ेगा। अब मार्केट प्राइस हमें इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा लैपटॉप को छोड़ के बाकी सभी का। अगर मैं शर्ट की बात करता हूँ, देखिए वन बाय वन निकालते हैं, यहाँ पे अगर हम शर्ट की बात करते हैं, शर्ट में देखिए इसका एक्चुअल में कितना सेलिंग प्राइस दे रखा है, एसपी दे रखा हमें ₹700, ठीक है, एसपी कितना दे रखा है ₹700। आप नीचे टेबल में देखिए 2018 में शर्ट में कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, 30% का, इसको 30% का डिस्काउंट मिला, यानी 700 जो वैल्यू है वो 70% की है, क्योंकि अगर 30% को डिस्काउंट मिल रहा है तभी सेलिंग प्राइस हुआ था ना, यानी जो 700 वैल्यू है वो 70% की हमें 100 की निकालनी है। तो आप सीधा कैलकुलेट कर सकते हो, 10 यानी 1000 हो जाएगा, यानी इसका जो मार्क प्राइस है वो 1000 हो जाएगा। अगर आपका एग्जाम में 70/70 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब टेबल की बारी है, ठीक है, टेबल को आपको देखिए कितना दिया था, इसका सेलिंग प्राइस कितना दिया था टेबल का, ₹2000, ठीक है, टेबल का ₹2000। अब आप डायग्राम में देखिए इसको कितने परसेंट की छूट मिल रही है, टेबल को 20% की, यानी जो ये वैल्यू है 80% की होगी ना, किसकी होगी, 80% की, यानी जो ये वैल्यू है 80% की होगी, हमें निकालनी है 100 की, ठीक है, 20 चौके 100, 20 चौके 80, 4 से इसको कैंसिल आउट करोगे, 4 5 20 यानी 0 यानी ₹2500, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क्ड अप प्राइस आ जाएगा 2500, और ये चीजें आपको ओरली सोल्व करनी है, फ्रैक्शंस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे 80% था तो आप सीधा ये करते कि 5/4 कर देते, ठीक है। और इसी प्रकार आप चेयर की बात करते हैं, चेयर की बात करते हैं तो चेयर में यहाँ पे कितना गिवन है आपको, ₹900, ठीक है, ₹900, और यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिला है, 25, ठीक है, यानी 25% का, जो यानी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है, यानी ये वैल्यू कितने की, 75, तो यहाँ 100। और आपको एग्जाम में क्या करना था, 5/4 करना था, क्योंकि 75% होता है 3/4, तो 4/3 कर देते उल्टा, क्योंकि ये 100 की वैल्यू है ना, तो 25 × 75 = 100, 3 से कैंसिल आउट करोगे, 3 × 3 = 9, 2 = 0, तो 4 × 300 = 1200, तो एमपी हमें पता लग गया 1200 होगा, ठीक है। हम सभी का हमें मार्क प्राइस पता लग गया सिवाय लैपटॉप के, तो टोटल में से इन सभी का माइनस कर देंगे तो हमें लैपटॉप का मार्क प्राइस पता लग जाएगा, फिर हमें पता लग जाएगा कितने अमाउंट इसने डिस्काउंट दिया। अब इनको सम कर दो, 1000 और 2500 कितने हो जाएंगे, 3500, 3500 में से अब 1200 ऐड कर दो, कितना बच जाएंगे आपके, 4700, क्योंकि 3500 प्लस 200 3700, 1000 ऐड करोगे 4700, और ये ओरली सोल्व करना। हमें मार्क्ड अप प्राइस पता लग गया इन तीनों प्रोडक्ट के 4700 होंगे, हमें टोटल पता है 15000 है, तो हम क्या करेंगे, 15000 में से माइनस कर देंगे ना, 15000 में से अगर मैं 4700 माइनस करूं तो कैसे निकालोगे, 15000 में से 4000 माइनस करो पहले 11000, और 1000 में से ये माइनस करोगे 300 बचेगा, यानी 10300, ठीक है। तो 10300 क्या है, आपका मार्क्ड अप प्राइस है लैपटॉप का,
लैपटॉप का एमपी हमें पता लग गया, ठीक है। अब आप इजीली बता सकते हो ना कि कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है, क्योंकि यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस भी पता है कितना है, 9,900। एसपीआई में पता है कि 9,900 है, तो आप बता सकते हो कितना डिस्काउंट मिला है इसको। क्योंकि ये चीजें सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं जो इसमें से आपको माइनस ना करना है, क्योंकि मार्कडअप प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, इसके बीच का जो डिफरेंस होगा उतनी अमाउंट को इसने डिस्काउंट दिया है ना, तो 0 0। 13 में से 9 गए तो 4, और 9 में से 9 यहाँ पे 9 गई 0, यानी 400 रुपए का इसको डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो एक एक चीज मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, एक्स वाई का यूज ही नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि देखिए मार्कअप प्राइस पता था, टोटल सेलिंग प्राइस आपको पता है, तो आपको दिक्कत क्या होगी, ठीक है। तो इसको इजीली आप निकाल सकते हो। अब बताइए अगर किसी को कुछ समझ ना आया हो तो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कह रहा है यहाँ पे कि इफ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल एंड चेयर इज 3:4। तो यहाँ पे उसी तरह हमें कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है वो गिवन है टेबल और चेयर का, 2016 में 3:4 है। एंड मार्क प्राइस इज 20% एंड 25% अबाउ द कॉस्ट प्राइस, यानी मार्क प्राइस होंगे कॉस्ट प्राइस से 20 और 25% अलग अलग होंगे, ठीक है, अबाउ होंगे। अब आगे क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल एंड चेयर इन 2016 रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है 20 और 25% अबाउ होंगे इनके मार्क प्राइस। इफ द सम ऑफ द लॉस ऑफ अर्न सेलिंग दैम इज ₹185, और इनको बेचने के बाद इसको ₹185 का लॉस हो रहा है इन दोनों को बेचने के बाद, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस ऑफ टेबल एंड चेयर। मार्क प्राइस टेबल और चेयर के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे टेबल, ठीक है, और आपको किसका दिया है चेयर, इनका रेशियो गिवन है 3:4। किसके किस चीज का रेशियो है, कॉस्ट प्राइस का। मैंने क्या कहा था, वैल्यू मान लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, तो मैं इसको मान लूंगा 300 और इसको मान लूंगा 400, ठीक है। तो देखिए कैंसिल आउट करोगे तो 3:4 एट द एंड आना है। अब मार्कडअप प्राइस की बात करते हैं, मार्कडअप प्राइस क्या कहा था कि टेबल कितना होगा, 20% अबाव होगा, टेबल 20% अबाव होगा और जो चेयर है 25%। अगर 20% अबाव होगा, अगर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपको सभी को पता होगा, 1/5, यानी इसका 6/5 कर दो, सीधा ही सी बात है। तो 300 का 6/5 कर दो, ठीक है, तो 5 × 5 × 5 × 5 = 30, 0, यानी 360 रुपए। तो इसका मार्केट प्राइस हमें पता लग गया 360 रुपए होगा। अब हम चेयर की बात करते हैं, चेयर में कितना का 25%, 25% 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी इसका 5/4 कर दो, ठीक है। तो 400 का 5/4 ये ओरली बता सकते हो आप, 100 की 5 से गुना करनी पड़ेगी, आपको 500 हो जाएगा, यानी इसका मार्कडअप प्राइस भी हमें पता लग गया 500। तो इनका कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस हमें पता लग गया, ठीक है। अब ये नहीं करना कि इनके बीच का डिफरेंस निकाल दो, नहीं ये गलती मत करना, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो एक्चुअल में नहीं होगा। इसने क्या कहा था, हमने तो ये वैल्यूज मानी है एग्जैक्टली, ठीक है, और इसने सेलिंग का, जिसके कारण इसको आपको क्या हो रहा है, 185 रुपए का लॉस भी हो रहा है, ठीक है। ये तो मार्क प्राइस आ गया, अब डिस्काउंट देगा ना तभी इसका सेलिंग प्राइस निकलेगा ना एग्जैक्टली हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम में देखिए, नीचे टेबल में देखिए, इसने 2016 की बात करें तो टेबल टेबल में कितने रुपए का इसका डिस्काउंट दिया, इसने 20% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। कितने का डिस्काउंट दिया, 20% का, ठीक है। मैं यहाँ पे डिस्काउंट है यानी जो सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पे लिख देता हूँ इनका, टेबल और चेयर का, ठीक है। तो इसने अगर 20% का डिस्काउंट दिया 360 पे, तो इसका 80%, ठीक है, यानी 360 का 80%, यानी क्या कह सकते हो आप, 4/5 कह सकते हो ना, 4/5, क्योंकि वो एक ही बात है आपकी, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू यही होती है, 5 है, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 72 चौके कितना होता है आपके, 288, ठीक है, यानी 4 × 2 = 8, 7 × 2 = 28, ये भी कह सकते हो आप। सेलिंग प्राइस हमें पता लग गया चेयर टेबल का। अब हम बात करते हैं चेयर की, चेयर का जो एक्चुअल में जो मार्केट प्राइस था 500 था, और छूट कितनी मिल रही है डायग्राम में देखिए नीचे, यहाँ पे कितने परसेंट की छूट मिल रही है, 30% की छूट मिल रही है ना यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे 25% की आपकी छूट मिल रही है, क्योंकि जो तो यहाँ पे 25% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 3/4, यानी 75% की, तो 3/4 होता है, तो इसका 3/4 आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अब 3/4 करोगे, इसको 4 से आप इजिली डिवाइड कर सकते हो, 4 × 1 = 4, ठीक है, यहाँ से 4 × 1 = 4 कितना बचेगा यहाँ पे, 1, 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 20, 125 दिया कितना होता है, 375, ठीक है, क्योंकि 100 दिया 300 और 25 दिया 75, यानी 375, तो 375 रुपए इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। हमें कॉस्ट प्राइस देखिए, इन दोनों का हमने कॉस्ट प्राइस माना था 300 + 400 = 700, यानी 700 रुपए इनका कॉस्ट प्राइस था दोनों का मिला के, आप सभी को पता है 300 400 माना था, और इन दोनों का सेलिंग प्राइस का सम कितना है, 8 और 5 = 13, 1 कैरी, 8 × 7 = 15 और 1 = 16, 1 कैरी, 3 × 2 = 5 = 6, यानी इन सभी का मिला के सेलिंग प्राइस हुआ 663 रुपए, ठीक है। कॉस्ट प्राइस था हमारा 700 रुपए और सेलिंग प्राइस है 663 रुपए। तो अब देखिए कितने रुपए का इसको नुकसान हुआ, कितने रुपए का लॉस हुआ, 37 रुपीज का, 37 रुपीज का लॉस हुआ, और वो किसके इक्वल दे रखा कि जो इनको लॉस होता है 185 रुपए, यानी 37 पॉइंट है वो 185 की वैल्यू है। हमसे क्या पूछा था, डिफरेंस पूछा था ना किस किस के बीच, मार्क प्राइस और टेबल के चेयर के बीच, इनके बीच का देखिए 360 रुपए और 500 रुपए, इनके बीच का डिफरेंस कितना है,
140 का है तो 140 कर दो। देखिए मैंने ये एट तक क्यों लेके आया, क्योंकि 140 यहाँ भी लिख सकता था, लेकिन हमें ये वैल्यू हमने मानी थी कॉस्ट प्राइस की, इसीलिए अगर एक्जैक्टली 300 400 दी होती तो यहीं से निकाल सकते थे। तो 140 का डिफरेंस पूछा तो 140 सीधा कर दो, ये नहीं कि आपके इंडिविजुअली निकालोगे, ठीक है। 37 एकम 37, 37 पंचो 185 होते हैं। अब आप पूछोगे कि 5 कैसे डिवाइड किया, आपको कैसे पता लगा? हमेशा चेक करना कि नीचे जो हमें डिवाइड कर रहे हैं ना उसका यूनिट डिजिट चेक कर लो। अब 7 है, मैंने 7 देखा इधर, ये किसके साथ के अगर मैं सीरीज में देखूं, 7 पंचो 35 होता है, यानी 5 से जा सकता। फिर मैंने कैलकुलेट किया 7 पंचो 35, 3 कैरी, यहाँ से 7 21 सॉरी यहाँ से अगर मैं 5 से करूँ, 5 15 प्लस 3 18, ठीक है। यानी हमें मैंने माइंड में कैलकुलेट कर लिया 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट डिजिट को चेक करो पहले, अगर यूनिट डिजिट उस सीरीज में मिल रही है फिर उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो। यहाँ से 14 की और 5 से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना होता है, 14 5 70, ठीक है, यानी 700 आ जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको पता लग गया जो आपका राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से इसको आप इजिली सोल्व आउट कर सकते हो, ज्यादा कुछ इसमें हार्ड था नहीं जो मैं आपको एक एक चीज करके बता रहा था, ठीक है। मैंने अगर यहाँ पे एक और मेथड है, जो यहाँ पे जो आपका रेशियो था ना 3:4, इसको मैं 3x और 4x करके भी मान सकता था। देखिए फिर 3x 4x करता, इसका 6/5 निकालता, तो एक्स 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 बहुत ज्यादा हो जाता, वो कंफ्यूज हो जाता। आप मान सकते हो क्योंकि देखिए रेशियो एट द एंड कॉस्ट प्राइस का 3:4 ही आना, अगर 300 मानो, 400 मानो, 3000 मानो, 4000 मानो, 30 मानो, 40 मानो, लेकिन वैल्यू 100 में से माना करो, क्योंकि देखिए उस सीरीज में क्या होता है कि आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत कम होती है। चाहे आप 30 मान के करो या 40 मान के करोगे ना तो भी वही आएगा, 3000 4000 मान के करोगे तो भी आंसर यही आएगा, सिर्फ कैलकुलेशन का फर्क है, ठीक है। ये हो गए आपके 4 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए थे। अब ये 5वां क्वेश्चन है, ये आपको करना है, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना, विदाउट पेन पेपर भी इसको कर सकते हो, ठीक है। तो सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करते रहना, और इससे हमें एक बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि देखिए लाइक करते हो तो हमें भी कहीं ना कहीं लगता है कि जो हम आपके लिए सेशन लेके आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में जितनी भी डाउट है वो बता दीजिए। इसके अलावा जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास में लगे उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और जितने भी आपके पास फेसबुक व्हाट्सएप जो भी स्टडी ग्रुप है, जो भी आपका फ्रेंड जोन है जो बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके साथ भी शेयर करते रहो, और डेली प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि प्रैक्टिस ही है वो जो आपको सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिला सकती है। प्री एग्जाम में प्रैक्टिस मैटर करेगी सबसे ज्यादा, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी ही प्री एग्जाम की मेन एक कह सकते हो कि हथियार है जो आपको यहाँ पे सक्सेस दिलाने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चीज चाहिए प्रीलिम्स एग्जाम में। प्री का जो लेवल होता है वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है, वहां पे सिर्फ आपको सिर्फ फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, जो स्पीड अच्छी होगी एक्यूरेसी अच्छी होगी तो वो अच्छे से कर लेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट का यूजेस कम होता है और वहां पे स्पीड और एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करती है, वो सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने से आएगा। और डेली बेसिस पे अपने आपको इंप्रूव करने की कोशिश करो, अपने अपने जो 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 आपकी गलतियां हो रही है मॉक टेस्ट में, जो सिली मिस्टेक आप कर रहे हो उनको सुधारने की कोशिश करो, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।